जिसकी कैपेसिटी 5 मशीन लेकर के यूनिट लगाने की है वो 5 मशीन 10 मशीन लगा कर भी काम करा के ले सकते हैं, उसका जितना भी फिनिश गुड है वो हमें दे सकते हैं, बराबर है। जिसका कैपेसिटी 5 मशीन 10 मशीन लेने का नहीं है, एक मशीन दो मशीन लेने का है, वो एक या दो मशीन लेकर के भी काम कर सकता है। ये हो गई फुल पेमेंट की बात। अगर किसी को एक ही मशीन लेना है लेकिन उसके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो वो किस्त पे भी ले सकता है, तो उसी हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट है और इनकम भी उसी हिसाब से है। और तीसरी जो है ये रेंट वाली है, तो रेंट पे भी मतलब मशीन वही है, काम वही करना है, लेकिन जिसका जितना इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको उतना इनकम ये करना है और उसका इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से रहेगा। बायबैक एग्रीमेंट वो इस तरह से आता है, ये 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट आता है जो इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक कस्टमर 5-5 मशीन लेकर के काम करता है तो वो भी है। ये देखिए, ये जितने भी एग्रीमेंट है सब 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बिजनेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कैसे एक मशीन मैन्युफैक्चरर देश के हज़ारों युवाओं को ना सिर्फ नौकरियाँ दे रहा है, नौकरी करने का मौका दे रहा है, बल्कि स्वरोजगार करने का साधन भी दे रहा है। इतना ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जहाँ पर आप बहुत कम निवेश में अपने बजट के अनुसार चाहे तो मशीन रेंट पर लेकर या फिर ईएमआई पर लेकर या फिर आप फुल पेमेंट पर मशीन अपने यहाँ लगाकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी डिमांड देश के लगभग हर घर में है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आपको मिलने वाला है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का दावा है कि वो आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को भी वापस खरीद सकते हैं, यानी कि आपको मार्केटिंग का भी कोई झंझट नहीं पालना है, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कमाई करनी है आपको दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों आप चाहे गाँव में रहते हों, छोटे कस्बों या शहरों में रहते हों, आप अपने पैरों पे ज़रूर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने हों, क्योंकि नौकरी की तलाश में हमारे बहुत सारे नौजवान शहरों की तरफ भागते हैं, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जहां पर आप गांव में रहते हुए शहरों में या फिर अपने छोटे छोटे कस्बों में रहते हुए अपने परिवार के साथ रहते हुए दोस्तों आप बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत कम निवेश में कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। नौकरी की तलाश आपकी ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और ये सारी जानकारी जो ये बिज़नेस है उसकी जानकारी देने के लिए मैं नोएडा से चल के नासिक महाराष्ट्र में पहुँच चुका हूँ दोस्तों। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रगति गृह उद्योग के ओनर मिस्टर राजेश कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी, बिजनेस कैसे करें मैं आपका। आपका स्वागत है सर प्रगति गृह उद्योग में। थैंक यू राजेश जी, मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप मेरे दोस्तों को दे सकते हैं। सर ये बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए कोई स्किल वर्कर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा है कि हर शहर हर गाँव हर कस्बा हर गली हर घर में चलने वाला बिजनेस है और घर का हर कोई सदस्य आसानी से करने वाला है, जो कि ये बहुत कम जगह में और बहुत ही मतलब अपना घर का जो घरेलू बिजली होता है उसके ऊपर चलने वाला ये बिजनेस है।
तो आगे हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ये बिजनेस करना है, कैसे करना है, मुनाफा उसमें कितना कमा सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल कौन देगा और रेडी माल कौन लेगा, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से ये बिजनेस मेरे दोस्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं उनको एक तो मशीन चाहिए होती है, फिर मशीन को ऑपरेट करना मुश्किल होता है, और दूसरा फिर वो तैयार माल जो होता है उसको मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल होता है सर। बिल्कुल सर, इसमें मार्केटिंग का झंझट कस्टमर को नहीं रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो है ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग है, तो मशीन हम खुद ही बनाते हैं, और उस मशीन को लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। और रही बात मार्केटिंग की, तो जो फिनिश गुड है, जो तैयार किया हुआ माल है, वो भी कस्टमर हमें दे सकते हैं। यदि किसी को मार्केट में सेल करना है तो वो सेल भी कर सकता है, लेकिन किसी को मार्केट में सेल नहीं करना है या उनसे नहीं सेल होता है तो वो हमें दे सकते हैं, और इसका नोटरी बायबैक एग्रीमेंट के साथ में होगा। इसका मतलब क्या हुआ नोटरी बायबैक का? इसका मतलब ये कि हम जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं जितनी तादाद में दे रहे, जैसे अगर केजी के हिसाब से है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अगर 100 किलो दे रहे हैं आपको, तो 100 किलो तैयार माल भी हम आपसे वापस लेंगे। इतना अच्छा। इसका मतलब जितना हम दे रहे उतना ही तैयार माल हम आपसे लेंगे, और ये भी लिखित में लेंगे। बायबैक 500 रुपये के स्टैंप पेपर के ऊपर नोटरी एग्रीमेंट होगा, लीगल एग्रीमेंट होगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए आप मुकर गए कि आप वापस तैयार माल नहीं लेंगे तो उसमें सामने वाला हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, आपके ऊपर लीगल केस कर सकता है? कर सकता है सर, क्योंकि क्या है, मेन चीज़ जो ये होती है सर, बहुत सारे मार्केट में कंपनीज होती है कि हम बायबैक करेंगे, रॉ मटेरियल देंगे, रेडी माल लेंगे, लेकिन वो लीगल प्रोसेस में नहीं उतरते हैं, और जिसको चीट करना होता है वो लीगल में उतरेगा ही नहीं, और जिसको चीट नहीं करना है वो लीगल के अलावा काम करेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ये, तो मतलब मेरे दोस्तों के हित सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब कितना मुनाफा कमा सकते हैं मेरे दोस्त ये जो बिजनेस आप ऑफर कर रहे हैं? इसमें सर ऐसा है, किसी भी बंदे को टारगेट नहीं है कि भाई दिन में तुम इतना करो, या हफ्ते में इतना करो, या महीने में इतना करो, ऐसा किसी के ऊपर टारगेट नहीं है। वो तो डिपेंड कस्टमर के ऊपर करता है, क्योंकि मशीन जो है वो अपना काम करती रहती है, बराबर है। आपको काम करना है यानी कस्टमर को काम करना है, तो वो उसको कितना मुनाफा कमाना है वो डिपेंड कस्टमर के ऊपर है। दिन का चाहे वो 1000 कमाना है, 500 कमाना है, या 2000 कमाना है, या खाली मशीन को अगरबत्ती घुमा के रख देना है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है सर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप मशीन लेते हैं, काम कुछ प्रोडक्शन करने के लिए है, ये नहीं कि उसकी एक जगह सजा के पूजा करने। राजेश जी ने बड़े हम्बली बोला है, पर राजेश जी मेरे दोस्तों को ये बताइए कि जैसे ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बेचेंगे आपको, तो एवरेज इनकम लगभग कितनी हो जाती है, जिससे कि एक आइडिया लग पाए? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि भाई परिवार चलाने के लिए मेरे इतने खर्चे हैं, तो वो निकल जाते हैं आराम से खर्चे। सर इसमें ऐसा है कि घर की जो लेडीज़ है, एक लेडीज़ अगर घर पूरा संभाल के अगर वो काम करे, तो भी महीने का कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये वो कमा सकती है एवरेजली। तो लोग तो 10,000 रुपए की नौकरी के लिए शहरों की तरफ भागते हैं सर। बिल्कुल। तो आप उनके घर में ही उनको मौका दे रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इसीलिए आपने ये प्रगति की। और इसमें क्या है कि मेन खास बात ये है, कस्टमर को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, या तैयार किया हुआ माल फिनिश गुड है वो बेचने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी हम ही दे रहे हैं और तैयार जो फिनिश गुड है वो भी हम ही ले रहे हैं। तो इसे घर का हर कोई सदस्य ये जो काम है ये बहुत आसानी से कर सकता है। इसके लिए कितना स्पेस चाहिए सर? एकदम कम जगह में, किसी भी कोने में, आपके रूम में किसी भी कोने में आप मशीन रख के काम कर सकते हैं। कितनी बिजली चाहिए सर? जी अपना जो फैन चलता है, फैन को जितनी बिजली लगती है उतने, मतलब घरेलू बिजली में लगता है, सिंगल फेज पे चलने वाला मशीन, मतलब बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। बिल ज्यादा नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग। और ये जो मशीन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इसको ऑपरेट करना आसान है? बहुत आसान है सर एकदम, मतलब घर का बुजुर्ग आदमी, जैसे रिटायर पर्सन होते हैं घर में, दादा दादी होती है, तो वो भी काम कर सकते हैं, जो यंग जनरेशन है वो भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि घर का हर कोई सदस्य एकदम आसानी से काम कर सकता है। वेरी नाइस। और कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुटीर उद्योग है, घर से लघु उद्योग है ये, घर से, घर का हर कोई सदस्य। यानी हमारा यही एक मकसद रहा है सर, कि हमारा ये उद्देश्य है कि घर का हर एक इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। एक जो नौकरी की तलाश में है वो नौकरी न करते हुए बिजनेस की ओर आना चाहिए,
उसने बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल में ये होता है कि भाई बिजनेस करना है तो 5-10 लाख लगेंगे, इतने तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये सबके ऊपर हम लोगों ने एक रामबान उपाय जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये हम लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, एकदम आसान है, जो घर का हर कोई सदस्य कर सकता है और लागत भी उसको 5-10 लाख नहीं लगेगी। मैं हमेशा मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि बिज़नेस वो करिए जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो, डिमांड सप्लाई में गैप होना चाहिए। तो जो आप ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसमें डिमांड और सप्लाई में गैप है, डिमांड हमेशा रहती है सर? बहुत सर, बहुत डिमांड है, मतलब हर जगह में, हर घर हो, ऑफिस हो, हर जगह पे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में बहुत सारी डेली नीड है सर, इसको बहुत डिमांड है। कभी डिमांड बढ़ भी जाती है? बहुत बढ़ जाती है। कदम जी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या ये बिज़नेस वो लोग नहीं कर पाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, निवेश की राशि नहीं है? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है पैसों की, तो वो भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा शुरू से मकसद ये रहा है कि घर का हर कोई सदस्य वो एक बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, और उस रोजगार दिलाने के लिए हम लोग 3 इसमें मशीन लेकर के आए हैं, जिसमें जिसके पास पैसा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो काम करना चाहता है, तो हम लोग मशीन किराए पर भी देते हैं। ओके, उसमें रेंट पे देते हैं, उसमें एक डिपॉजिट रहता है जो डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है, बराबर है? बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होता है? नहीं, वो मशीन का जो प्राइस है उसके हिसाब से वो डिपॉजिट रहता है। तो रेंट पे भी मशीन मिलती है, मतलब जिसको मशीन खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं है लेकिन वो फिर भी वो काम करना चाहता है, तो मशीन किराए पे लेके, रेंट पे लेके भी वो घर बैठे काम कर सकता है। दूसरा है EMI यानी किस्त पे, जिसको मशीन लेनी है लेकिन पूरा पेमेंट नहीं है तो उसको EMI पे भी मिलता है, किस्त पे भी मिलता है, तो वो भी लेकर के बाकी का जो उसमें डाउन पेमेंट होता है वो डाउन पेमेंट भर के बाकी का जो अमाउंट है वो इनकम में से वो किस्त भर सकता है, यानी उसका EMI उसमें से पेड कर सकता है, भर सकता है, ऐसा भी है। और तीसरा है जो फुल पेमेंट है, तो इनकम भी इसके हिसाब से होती है, इनकम भी उस हिसाब से होती है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पर मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्तों को आप एक मशीन का डेमो दें, देखें कि आखिर कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या आप दिखा सकते हैं हम? हाँ, दिखा देंगे, लेकिन इसमें सर ऐसा है कि जो तीनों अलग अलग तरीके हैं, जैसे रेंट का है तो रेंट का अलग एग्रीमेंट होता है, EMI का है तो EMI का अलग एग्रीमेंट होता है, और फुल पेमेंट का है तो फुल पेमेंट का अलग एग्रीमेंट होता है, लेकिन तीनों का एग्रीमेंट ये नोटरी 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर ही होगा, लीगल तरीके से ही होगा। जी बिल्कुल, हम तो मशीन का डेमो देखते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं बताने वाला हूँ कि आपका निवेश क्या रहने वाला है, कैसे आप अपना प्रोडक्शन शुरू करके कदम साहब के साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये लॉन्ग कॉटन विक मेकिंग मशीन काम किस तरह से करती है, बत्ती कैसे बनती है, कॉटन कैसे छोड़ना है, ये सब के बारे में अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो रॉ मटेरियल आता है ये ऐसे रोल में आता है, लंबा आता है, इसको इस तरह से कटिंग करके लेना है, 3-3.5 इंच कटिंग करना है। ये जो मशीन है इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद ये जो स्पीड कंट्रोलर है इसको धीरे धीरे आपको जितना स्पीड पे रखना है उस हिसाब से इसका स्पीड बढ़ाना है। यहाँ पे वाटर टैंक दिया हुआ है, इसको आपको चालू करना है, जैसे चालू करेंगे यहाँ से पानी आना चालू हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से पानी आना चालू हो जाता है, ये बेल्ट गीला होने तक आपको पानी छोड़ना है, उसके बाद बंद कर देना है, और इस तरह से ये कॉटन को लेकर के छोड़ना है। ये घर का हर कोई सदस्य आसानी से काम कर सकता है। दोस्तों, आपने इस तरह से बत्ती बन के रेडी हुआ है। अब इस बत्ती को आपको 100 बत्ती का एक गट्ठा, एक बंच बना के इस तरह से जो पैकेट है वो पैकेट में हमको इस तरह से पैकिंग करके देना है। 1/2 किलो का पैकेट बना के हमको 500 ग्राम का ये देना है। तो इस तरह से ये काम आपको करना है,
और इसका जो रॉ मटेरियल है ये हमने आपको बता दिया है, इसको कटिंग ऐसा करके बत्ती कैसे छोड़ना है ये भी सब आपको दिखा दिया है, और पैकिंग करके कैसे भेजना है ये भी आपको बता दिया है। तो अब रही बात की एग्रीमेंट की, तो दोस्तों इसका जो एग्रीमेंट है बायबैक एग्रीमेंट वो इस तरह से आता है। ये देखिए ये 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट आता है, जो इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक कस्टमर 5-5 मशीन लेकर के काम करता है, तो वो भी है। ये देखिए ये जितने भी एग्रीमेंट है सब 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर है, ये मराठी में है। ये देखिए ये पूरा, तो देखा दोस्तों आपने कि ये काम किस तरह से किया जाता है। ये घर का हर कोई सदस्य आसानी से काम कर सकता है और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमारे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सामने जो दिए हुए उस नंबर पे हमें कॉल कीजिए। हमारी जो टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, कोटेशन सेंड करेगी और वीडियो उसका जो भी एग्रीमेंट जो अभी हमने आपको दिखाया है इसका एग्रीमेंट का PDF भी आपको सेंड करेगी। आपको कोई भी क्यूरी रहेगी तो आप हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे कॉन्टैक्ट करके वो आप क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा राजेश कदम जी ने कितनी ज़बरदस्त डेमो दिया है, मतलब इतनी सिंप्लीफाइड मशीन है जो बहुत इजी है ऑपरेट करना। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग कॉटन बेक्स यानी कि लंबी रुई बत्ती जो है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चलती है, चाहे मंदिर हो गुरुद्वारे हो हर जगह, घरों में इंडस्ट्री में हर आदमी पूजा करता है, हर आदमी दिन भर अपने दिन की शुरुआत ही पूजा से करता है और दिया ज्योत जलाना सबका काम है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। अगर आप इस बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कदम साहब से कि क्या निवेश रहने वाला है मेरे दोस्तों का, कितनी राशि उनको इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी? सर इसमें ऐसा है, सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, 3 अलग अलग तरीके है जिसका जितना कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट का उस हिसाब से। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे है कि एक कस्टमर 5 मशीन 2 मशीन 4 मशीन लेकर के भी काम करते हैं, दूसरों को भी काम दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि एक मशीन के ऊपर आपने अभी डेमो में देखा कि एक मशीन के ऊपर 2 से 3 लोग काम कर सकते हैं। जिसकी कैपेसिटी 5 मशीन लेकर के यूनिट लगाने की है वो 5 मशीन 10 मशीन लगा कर भी काम करा के ले सकते हैं, उसका जितना भी फिनिश गुड है वो हमें दे सकते हैं, बराबर है। जिसका कैपेसिटी 5 मशीन 10 मशीन लेने का नहीं है, 1 मशीन 2 मशीन लेने का है, वो 1 या 2 मशीन लेकर के भी काम कर सकता है। ये हो गई फुल पेमेंट की बात। अगर किसी को एक ही मशीन लेना है लेकिन उसके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो वो किस्त पे भी ले सकता है, तो उस हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट है और इनकम भी उस हिसाब से है। और तीसरी जो है ये रेंट वाली है, तो रेंट पे भी मतलब मशीन वही है, काम वही करना है, लेकिन जिसका जितना इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको उतना इनकम ये करना है और उसका इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से रहेगा। तो उसकी जानकारी वो आपसे कैसे ले सकते हैं? उसके लिए सर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के ऊपर वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो सेल्स की टीम है वो उनको पूरा सपोर्ट करेगी, जिसमें कोटेशन भी भेजेगी कि रेंट का कैसा रहेगा, उसमें डिपॉजिट कितना है और इनकम कितना मिलेगा, और दूसरी बात कि EMI में कितना डाउन पेमेंट भरना है, उसका किस्त कितना होगा, EMI कितना होगा वो भी उसमें रहेगा। फुल पेमेंट पे लेते हैं तो फुल पेमेंट पे कितना फुल पेमेंट भरना है और उसमें इनकम कितना होगा, यानी ये पूरा डिटेल जानकारी जो है वो कोटेशन में रहेगा। साथ में जो एग्रीमेंट है, हम जो लीगल एग्रीमेंट करते हैं तो उस लीगल एग्रीमेंट का जो PDF कॉपी है वो भी कस्टमर को व्हाट्सअप किया जाता है, ताकि कोई भी क्यूरी रहेगी तो वो वहीं पे सॉल्व की जाती है जी। जब तक आपके दिल में कोई डाउट नहीं रहेगा तभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि जितने भी सवाल हों उनके जवाब जानना चाहिए, आपकी एक एक पाई बड़ी कीमती है दोस्तों। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं आगे बढ़ने का, तो जाहिर सी बात है कि जानकारी के आधार पर लेंगे। और राजेश कदम जी कह रहे हैं कि बायबैक एग्रीमेंट की कॉपी, चाहे वो आप रेंट पे लें, चाहे EMI पे लें, चाहे आप फुल पेमेंट पे लें, आप उनको वो उस एग्रीमेंट की कॉपी उपलब्ध कराएंगे और अगर उनके मन में जो भी सवाल होगा उसका आप संतुष्टिपूर्वक जवाब देंगे। बिल्कुल, ये तो बुकिंग करने से पहले ही ये सब होगा। हाँ, मतलब एक रुपया भरने से पहले
ये आपको पूरी मतलब पूरा आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बाकी के कंपनीज क्या करती है कि सिर्फ हम एग्रीमेंट करेंगे, हम माल लेंगे, ये बोलते हैं, लेकिन ये सब करते नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते भी नहीं है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है ये ऐसा है कि आप हमारे साथ जुड़ने से पहले आपके दिल में कोई भी डाउट या कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी काम करिए जानकारी के आधार पर करिए, निर्णय लीजिए। और अगर मान लीजिए वो निर्णय लेते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि भाई हम फ़ोन पे संतुष्ट नहीं है, हम पहले विजिट करेंगे, कंपनी को देखेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, तो क्या आपके यहाँ वो विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारा जो ऑफिस है ये कस्टमर ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन विजिट करने से पहले उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं विजिट के लिए, तो बिना अपॉइंटमेंट के हम विजिट नहीं ये करते हैं। तो कस्टमर ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तो उनको जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे ही पूरा सब डिटेल भेजा जाता है, कोटेशन भेजा जाता है, वीडियो भेजा जाता है, उसका एग्रीमेंट भेजा जाता है, यानी वो पूरा 90% उनको वहीं पर क्लियर किया जाता है। अगर उनको कुछ डाउट्स है, बहुत सारे कस्टमर क्या सोचते हैं कि नहीं भाई हम पहले जाके देखेंगे और फिर ही हम ये करेंगे, तो वो यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की है आपके बिहाफ पे राजेश कदम जी से। आपके मन में जो भी सवाल रह गए हों वो आप ज़रूर पूछिए राजेश कदम जी की टीम से। प्रगति गृह उद्योग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको कई अवार्ड मिले हैं, और मैं समझता हूँ कि समाज सेवा इसी का नाम है, जहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार देना, उनको संबल बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके परिवार को सपोर्ट करना। आप अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो निर्णय लें और निर्णय जानकारी के आधार पर लेते हैं। और अगर आपको कोई भी मंजिल जीवन में पाना है तो आपको सफ़र तय करना पड़ता है, और सफ़र तय करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, और पहला कदम मैं हमेशा कहता हूँ कि जानकारी लेने का होना चाहिए। तो जानकारी लेने के लिए आप सीधे राजेश कदम जी की टीम को संपर्क करिए, जानकारी और जुटाइए। अगर आपको लगता है कि उस जानकारी से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो ज़रूर विजिट करिए। नासिक बहुत ही पवित्र स्थल है, पावन स्थल है, तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पर जब भी आप विजिट करते हैं तो आप देखिए आपके कुछ खर्चे भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप जैसा भी सोचना चाहें आप वैसे निर्णय लीजिए, और अपने निर्णय पे कायम रखिए। निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, हाँ या ना में निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय के लिए ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है बहुत काम आएगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।